सभी नेपाली दाजु बहिनी को मेरे तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। जैसे कि मैं हमेशा नेपाली मूवी का ही रिव्यू करता हूँ, तो आज भी मैं एक नेपाली मूवी का ट्रेलर लेके आया हूँ जिसका रिव्यू करने वाला हूँ, जिसका नाम है सेंटी वायरस। और इसके जो एक्टर हैं, मेरे को जिसका सिर्फ नाम याद है मुझे, दयांग राय। बाकी के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसी के साथ हम आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दयांग राय पर्सनली मैं मतलब बहुत पसंद है मुझे, पर्सनली मैं इनकी एक्टिंग का बड़ा दीवाना हूँ। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। OSR डिजिटल एंटरटेनिंग द नेशन। जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण अभियानका लागि सेन्टी भाइरस। ओ, गाउँतिर पार्टीको चर्चा कतिको छ? चर्चा राम्रै छ, तर जनगुनासो पनि छ हो दाइ। अब गुनासो हुने नै जनतासँग। आफ्नो पार्टी जिताइदे, जिताइदे। यो बसी तिमीहरुको बाबु। ए दयांग राई, यो पल्ट हामीलाई चुनावमा जिताउनुस्। पहिला नि जिताएर पठाएको पठाएको पठाएको। धेरै आवेशमा नआउनुस् मिज्यू, नेचुरल एक्टिङ है, नेचुरल। देखिहाल्नु भो, एक कल चिस, मुद्दा फिनिस। अरूतिर त सबै ठिकठाकै छ, तर त्यो एकता बस्तीको भोट हाम्रो लागि निर्णायक भोट। म चाहिँ एउटा सूत्र छ के दाइ, तपाईँ मजाले चारो छर्नुहोस्, भोटको ग्यारेन्टी म। तर यदि तिम्रो सूत्र काम लागेन भने म मूत्र गायब गरिदिन्छु तिमी। हराउने बाटो बिर्स्यो कि क्या हो? राजनीतिमा लागेपछि घर थर सबै बिर्सिँदो रहेछ हौ श्रीमती। देखि पोलिटिक्स जैसा है यार, कुछ मतलब वोट वोट मांग रहे हैं लोग। सुन भन न, प्रेसर को रोगी ढल्न सक्छन्। म्याकुरी प्रेसर त 200 नाग्यो त। म्याकुरी म्याकुरी भनेर आधा प्रेसर त ए बन्दै बडा अच्छा है, छक्का पंजाब में करता ना ऑल। अजय क्षेत्र वही है, संघर्ष हुनेकै नजितुन जसम हारिरहने। चिन्ता नलिनुस् बा, हामी सबै जना मिलेर यसपालि त जसरी नै हजुरलाई जिताउने। आफ्नो पार्टी जिताइदे, खेती गर्ने पार्टीहरु खबरदार। ए श्रीमती भान्ने षड्यन्त्रकारी पासहरु खबरदार। एक दूसरे टक्कर हो रही है। यो धंधा किन क्या बड़ा फाके को? तेरी लारा खुल के रखा। मो तिम्रो निजी श्रीमान हूँ, इज्जत को पनि ख्याल गरेर बोल। झंडा मात्र है ना, फरक मत राख्ने। जो कोइला पनि घरबाट निकाल्ने कॉपीराइट। ये हस्बैंड वाइफ है शायद। राजनीतिमा सामान्य झडप त भइहाल्छ नि। सानो क्रान्तिले ल्याएको बुढी होइन, त्यो विपक्षीको कब्जाबाट भगाएर ल्याएको राजकुमारी हो मेरो बुढी। बरु श्रीमती फेर्न सक्छु, पार्टी फेर्न सक्दिन भनेको थिएँ। सिद्धान्त भन्दा बलियो श्रीमती हुँदो रहेछ। ए बात है ना, मैं तो कुछ और ही समझ गया था। तपाईहरुको बस्ती नियम कानून र विधि पुर्याएर आफ्नो नाममा पारिसक्नु भएको छ। बस्ती कसैको गोपे होइन। मेरो बाबाजीले उहिले नै गौचरको लागि नुन छर्केको जग्गा हो त्यो। तेरो बाजेले नुन छर्यो होला, मेरो बाजेले सुन छर्या जग्गा हो। ओ मतलब वो कह रहा है कि मेरे बाप ने उसमें नमक छिड़का था। मतलब नेपाली में नमक को नून कहते हैं। उसने बोला तेरे बाप ने नून छिड़का था, मेरे दादा ने सुन यानी सोना छिड़का था। सेंटी वायरस नेपाली में पढ़ेंगे तो सेंटी वायरस। छुट्टे लाने पर्ने माथि पलंग में सुते हो? म पलंग में सुत्ने हो, ठाउँ आफूलाई हो। राजनीतिले सुताएको पोजिसनै चेन्ज गरिदियो। प्रदर्शन मिति फागुन 9 गते महाशिवरात्रिका दिन। अच्छा ये हो चुके रिलीज आई थिंक, इसी के साथ ही वीडियो खत्म। तो भाई मुझे बड़ा मतलब अलग स्टोरी लग रही है इस मूवी की ना, अलग। जैसे कि ना एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों पॉलिटिक्स में है, वो किसी और पार्टी में, तो वो किसी और पार्टी में, तो दोनों के वहाँ पे वो लगे हुए थे अलग अलग, तो वो वहाँ से भाषण दे रहा, वो तो एक दूसरे को टोंट मारते ना, तो इस चक्कर में कुछ बहस हो जाती है, तो वो शायद उसको मार देता अपनी वाइफ को, कुछ मतलब हाथ उठा देता या
तो वो छोड़ के चली जाती, तो उसके ऊपर ही मतलब मूवी होगी। मेरे को ऐसा लगा ट्रेलर देख के कि वो उसको मनाने जाएगा, वो आएगी नहीं, तो लास्ट में हैप्पी एंडिंग होगा, दोनों मिल जाएंगे, वो पॉलिटिक्स छोड़ देगा और अपनी वाइफ को ले आएगा। क्योंकि उसने बोला था कि पहले मैं सोचता था कि मैं एक वाइफ को बदल दूंगा लेकिन पॉलिटिक्स नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो बोलता है कि लेकिन पॉलिटिक्स से बड़ी वाइफ है जो मेरे साथ रहेगी हमेशा। तो उसके ऊपर ये फिल्म मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये फिल्म मैं यूट्यूब पे आज सर्च करूंगा अगर मुझे मिल जाए तो, क्योंकि ये जो दिखा रहा है ये तो पुराना ट्रेलर है। तो मज़ा आया मुझे देख के, बहुत एंजॉय किया मैंने, और मुझे मतलब दिल को टच किया यार कि मतलब पॉलिटिक्स के चक्कर में जो भी हुआ मेरी बीवी में, और वो उसको मनाने जा रहा है और वो आती नहीं है, तो ये कुछ अलग स्टोरी है। तो ये मूवी तो मैं देखने वाला हूँ डेफिनेटली, और इसका जो ओरिजिनल लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी जितने भी एक्टर थे नए नए थे उनका मेरे को नाम नहीं पता, नए नहीं पुराने थे ये, मुझे नाम नहीं पता, तो मैं उनका नाम भी मेंशन करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, क्योंकि मैं नेपाली मूवी के मतलब रिप्रेजेंट करूँगा, कर रहा हूँ एक तरफ से, कि यहाँ के लोगों को भी पता लगेगी नेपाली मूवी की स्टोरी कॉन्टेंट बहुत अच्छा होता है। तो मुझे सपोर्ट जरूर करें प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से ट्रेलर या कोई एक्शन सीन, रोमांटिक सीन, कुछ भी हो सकता है, तो कमेंट करके भी बोल सकते हैं आप मुझे कि मुझे कौन सी वीडियो पर रिएक्शन देना है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।